खबर आपको दिखा रहे हैं सीमा हैदर से जुड़ी एक खबर है। सीमा हैदर की फिल्म को लेकर बवाल मच गया है। राज ठाकरे की फिल्म मेकर्स को धमकी है। मनसे नेता अमय खोपकर ने ट्वीट करके चेतावनी दी है। सीमा हैदर आईएसआई एजेंट हो सकती हैं, ये अमय खोपकर ने कहा है। ऐसे तमाशे तुरंत बंद करें, नहीं तो कार्रवाई होगी, ये अमय खोपकर की तरफ से कहा गया है। एमएनएस की तरफ से ये धमकी जो है वो मेकर्स को दी गई है और ये कहा गया है एमएनएस पार्टी ने। दरअसल सिनेमा विंग के अध्यक्ष अमय खोपकर ने कहा है ट्विटर हैंडल पर सीमा हैदर और सचिन पर बन रही फिल्म के मेकर्स को वार्निंग दे डाली है। उनकी तरफ से कहा गया है, लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की इजाजत नहीं दी जाती है। अमय खोपकर ने कहा है कि हम अपने रुख पर कायम हैं, किसी पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला है जो इस समय भारत में है और क्योंकि खबरें जिस तरह से सीमा हैदर को लेकर लगातार सामने आई, एजेंट होने की बात उनकी कही गई, जासूस होने की बात कही गई और उसी को लेकर उन्होंने कहा कि आईएसआई एजेंट वो हो सकती है, हमारी इंडस्ट्री के कुछ नए कलाकार उसी सीमा हैदर को पॉपुलैरिटी के लिए एक्ट्रेस बनाना चाहते हैं। देशद्रोही निर्माताओं को शर्म क्यों नहीं आती, देशद्रोही उन्होंने फिल्म मेकर्स को कहा है और इसके बाद सार्वजनिक चेतावनी भी दी जा रही है। ऐसे तमाशे तुरंत बंद करें, नहीं तो एमएनएस के हमले के लिए तैयार रहें, यह लिखा गया है ट्विटर के जरिए अमय खोपकर की तरफ से। आपको याद होगा पाकिस्तान की सीमा हैदर जब से पबजी पर प्यार होने के बाद सचिन मीणा के साथ भारत यानी कि ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में रह रही हैं, तभी से वो सुर्खियों में बनी हुई हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सीमा हैदर को लेकर चर्चाएं हुई। सुजाता द्विवेदी हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। सुजाता, एमएनएस की तरफ से सीमा हैदर को लेकर जो लोग फिल्म बना रहे हैं मेकर्स को बाकायदा धमकी दे डाली है कि अगर इस तरह की फिल्में बनाई गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, और देखिए सीमा हैदर एक ऐसे शख्स जो अभी शायद किसी परिचय की मोहताज हो और में सीमा पर उसकी पूरी लव स्टोरी के ऊपर जिस तरीके से वो कराची से जो है नोएडा आ जाती है, इस पर एक पिक्चर बनाई जा रही है फायरफॉक्स की टीम द्वारा जिसका नाम है कराची टू नोएडा। ऐसे में इस पिक्चर को लेकर बवाल जो है अब काफी ज्यादा सामने आ रहा है जिसमें सबसे पहले मनसे यानी राज ठाकरे की जो पार्टी है वो इसके खिलाफ सख्त जो है इसका निषेध करती हुई नजर आ रही है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो मूवी रिलीज नहीं होने देंगे। ऐसे में कराची टू नोएडा इस मूवी के लिए जो है ऑडिशन शुरू हो चुके हैं। सीमा हैदर का रोल कौन प्ले करेगी इसको लेकर जो एक्ट्रेसेस जो है वो उन्होंने अब अपना ऑडिशन देना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में एक तरफ जो पिक्चर की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह भी जो है लोगों में दिखाई दे रहा है। मूवी उतर साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है कि वो किसी भी रूप में सीमा हैदर को ना तो भारत में वो रखना चाहते हैं ना ही उसका जो प्रमोशन है वो भारत में होने देंगे। और ऐसे में मनसे के एक नेता ने ये तक आशंका जताई कि सीमा कोई नहीं बल्कि एक आईएसआई एजेंट हो सकता है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जो है मनसे ने अपने साफ तौर पर अपना जो पक्ष है वो सामने रखा है और साफ तौर पर बताया है कि पिक्चर नहीं बनने देंगे और अगर पिक्चर बनती है तो उसे महाराष्ट्र में जो है वो रिलीज नहीं होने देंगे। तो ऐसे में बवाल जो है पिक्चर बनने से पहले ही महाराष्ट्र में लिखते हुए नजर आ रही है और सीमा हैदर को लेकर जहाँ पर वो सुर्खियों में आई थी क्योंकि वो प्यार के चलते पबजी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने जो गेम खेलती थी उसके बाद उन्हें सचिन से प्यार होता है और वो भारत आ जाती है। लेकिन इसी दौर में जो है उनके जो हेटर्स है वो भी काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इसको लेकर जो है मनसे ने अपना पक्ष क्लियर रख दिया है और ऐसे में बाकी पार्टियों का इस पे क्या स्टैंड होगा वो भी कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन सीमा को इस समय चाहे बात करें इलेक्शन लड़ने को लेकर या पिक्चर में एज ए एक्टर काम करने को लेकर या उस पर खुद जो है एक ऑटोबायोग्राफी बनाने को लेकर ऐसे तमाम जो है उसे ऑफर्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं यही जो है एक प्रमोशन इसे कहा जाए तो इसी प्रमोशन के चलते जो है देश के कई हिस्सों में इसको लेकर गुस्सा भी काफी ज्यादा है कि आखिर एक बाहर से आई महिला को इतना ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है। तमाम जो रिएक्शन है वो लोग साफ तौर पर अपना पक्ष रख रहे हैं और ऐसे में मनसे वालों ने भी अपना गुस्सा इसमें जाहिर कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर सीमा को लेकर एक धड़ा ऐसा है जो सीमा के फेवर में नजर आ रहा है,
कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं, सीमा को वापस भेजा जाना चाहिए। हालांकि इसको लेकर तो जांच की जा रही है, जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं और जांच में जो भी सामने आएगा उसके आधार पर एक्शन होगा। लेकिन क्या इसके जरिए, क्योंकि फिल्म मेकर्स जिस तरह से ऑफर सीमा को दे रहे हैं, क्या इसके जरिए फिल्म में ये पब्लिसिटी पाने की कोशिश है, पब्लिसिटी स्टंट है? क्योंकि इस तरह का तरीका हमने और भी फिल्मों को लेकर देखा है, चाहे आप बहत्तर हूरों को देख लीजिए, कैसे फिल्म को लेकर पहले उसका टीजर लॉन्च किया जाता है और ऐसी कई सारी फिल्म जो है वो सामने आती रही है। बिल्कुल, और देखिए बात करें अगर फिल्मों की तो बॉलीवुड में जो है अगर आप देखें तो ऐसे कई सारे टैक्टिक्स जो है वो अपनाए जाते हैं फिल्म को हिट करने को लेकर, जिसमें अगर हम द केरला स्टोरी की बात कर ले, बहत्तर हूरों की बात, जैसा कि आपने अभी बताया, इसी के साथ ऐसी तमाम जो फिल्में हैं इनके टीजर रिलीज होते ही जो है इसको लेकर कॉन्ट्रोवर्सीज बनाती है और आखिरकार जो है लोग आखिरकार इन मूवीज को सिनेमाघरों में जाकर देख ही लेते हैं। लेकिन अब सीमा हैदर की बात करें तो यहाँ पर न कि वो किसी पिक्चर में एक्ट कर रही है बल्कि उनके खुद के लव स्टोरी पर जो है पूरा एक ऑटोबायोग्राफी बनते हुए नजर आ रहा है जिसका नाम है कराची टू नोएडा। तो ऐसे में इन सभी को लेकर जो है अब क्योंकि सीमा हैदर के ऊपर ऑटोबायोग्राफी बन रही है इसको लेकर मनसी कार्यकर्ताओं में कुछ ज्यादा ही गुस्सा नजर आ रहा है, जिस वजह से उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि चाहे इसे चीफ पब्लिसिटी स्टंट माना जाए या फिर। चलिए ठीक है सुजाता, बहुत बहुत शुक्रिया।